को आप हैरान होंगे कि सालाना 2,54,48,00,000 ये लॉस हो रहा है। ये सब्सिडी जा रही है ये हर साल। और हर रोज़ 70,00,000 का लॉस हो रहा है। और अगर इनको 3 सालों 4 सालों को हम इकट्ठा करें तो टोटल 4 सालों की सब्सिडी जो है वो बनती है 10 अरब 30 करोड़ सब्सिडी। अब आप मुझे बताएं क्या ये प्रायोरिटी है पंजाब हुकूमत की कि लोगों को इस जगह से उस जगह ले कर जाना है, तो इसलिए 10 अरब दे रहे हैं। और जो मरीज़ हैं जो रोज़ उनकी आहें जो हैं ये और उनकी बददुआएं इनके कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन अल्लाह ताला तक पहुंच रही है उनकी, और ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और फिर लाहौर की बात नहीं है, सारे पंजाब के अंदर कितने दुख की बात है कि शहबाज शरीफ इश्तहार दे रहे हैं कि जी ठेके पे ले रहे हैं अस्पताल, और ये 10 अरब 30 करोड़ रुपये हर साल ये ज़ाया कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तरफ प्रायोरिटी देखें, मरीज़ मर रहे हैं, अस्पताल जो हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट होना है वहाँ नहीं है, वेंटिलेटर जहाँ चाहिए वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ जहाँ डॉक्टर चाहिए डॉक्टर नहीं है बेसिक हेल्थ।